अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मेरा कुर्बानी व्लॉग है और पहले हम कुर्बानी करेंगे ऊँट की और फिर हम बनाएंगे उसके बड़े मज़ेदार से सीख कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स ये देखिए, ये वो दो धारी नेजा है जिससे ऊँट को नहर किया जाता है। व्यूवर्स देखिए, इस तरीके से ऊँट को जो है बिठा दिया जाता है निहार करने से पहले, ताकि इसको आराम से बिठा के फिर इसकी एक टांग पे रस्सी बांधी जाती है। हमारा ऊँट बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से बैठ चुका है। अब इसकी रस्सी बांधी जाएगी एक पाँव पे। ऊँट के पाँव पे रस्सी बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ऊँट के मुँह पर रस्सी बांधी जाती है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। तमाम स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं, तकबीरात पढ़ी जा रही हैं। तो अब ऊँट निहार करना है, लेकिन मैं ये वीडियो में नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है यूट्यूब की। ऊँट ज़िबा करने से पहले ऊँट के दिल की सही जगह का तायुन किया जाता है जहां से ऊँट निहार किया जाए, ताकि कुर्बानी के जानवर को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये मेरे मामू हैं जो गुज़िश्ता 10 सालों से ऊँट निहार कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत परफेक्ट हो रहे हैं इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऊँट कुर्बान हो गया है। अल्लाह हम सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ ईद उल अज़हा किस तरह इंजॉय की जाती है। सबसे पहले ऊँट की खाल उतारी जाती है, इसको इसके पायों से स्टार्ट किया जाता है। बहुत ही ज़ोरों शोर से काम चल रहा है व्यूवर्स, बहुत ही अच्छे तरीके से सब काम कर रहे हैं मिल बांट के, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है फिर भी बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। अभी यहाँ पे खाल उतर रही है। हमें ईद उल अज़हा पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम कोई कसाई वगैरह तो बुलाते नहीं हैं, हम सब मिल बांट के काम करते हैं। मेरे मामू के बेटे, मेरे खाला के बेटे, हम सब लोग मिल के कर रहे होते हैं सब। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारी लेडीज़ भी मिलके काम कर रही होती हैं। कोई बोटियाँ बना रहा है, कोई हड्डियों से गोश्त अलहदा कर रहा है, और साथ में इतनी अच्छी बारिश भी हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें। अब 7 हिस्से होते हैं ऊँट पे, इसके हिस्से किए जा रहे हैं। तो व्यूवर्स, इस तरह से हमारे यहाँ कुर्बानी की जाती है ऊँट की। बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। व्यूवर्स, सबसे पहले हम एक रूखा गोश्त का टुकड़ा ले लेंगे और उससे हम छोटी छोटी बोटियाँ बना लेंगे और उसमें से चर्बी रिमूव कर लेंगे और फिर हमें इसका कीमा बना लेना है। तो व्यूवर्स देखें, हमने कीमा अच्छी तरीके से बिल्कुल बना लिया है, इसमें बिल्कुल भी चर्बी मौजूद नहीं है। तो चले अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूवर्स, ऊँट के मज़ेदार से सीख कबाब बनाने के लिए जो हमें अज्जा दरकार है, 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1.5 टीस्पून नमक, या आप हसबे जायका भी ले सकते हैं, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी लिए हमने। और क्योंकि व्यूवर्स हमें सीख कबाब बनाने हैं तो इसके गोश्त में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, तो हमने इसके अंदर अदरक लहसुन के बजाय हमने इसके अंदर लहसुन पाउडर डाला है और अदरक पाउडर डाला है, दोनों 1/1 टीस्पून। तो व्यूवर्स, अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो व्यूवर्स, हमने इसके अंदर तमाम स्पाइसेस तो ऐड कर दिए हैं, लेकिन हमें इसकी बाइंडिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट ऐड करना है, आप चाहें तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही इसके अंदर कुछ हरे मसाले शामिल किए जाते हैं, जिसमें हमें लेना है 1/2 गड्डी हरा धनिया, 1/2 गड्डी हमने पुदीना लिया है इसमें, 1/2 हमने प्याज ले लिया है, और ये हमने 2 छोटे टुकड़े ले लिए हैं कच्चे पपीते के, और 8 से 10 हरी मिर्चें लेके हमें इस हरे मसाले को पीस लेना है। तो आइए इसको पीस लेते हैं। ये देखें, हमने चॉप कर लिया है तमाम हरे मसालों को। अब ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले आपस में गोश्त में मिल जाएं। और व्यूवर्स, ऊँट के सीख कबाब और बीफ सीख कबाब में ये डिफरेंस है कि ये कहीं ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और ऊँट का गोश्त खाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आप इसको सवाब समझ के खाएं। और ऊँट का गोश्त खाने से साल भर तक आपको कोई मुझी बीमारी नहीं होती। और एक ये मिथ है कि ऊँट के गोश्त में नमक ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जैसा बीफ का टेस्ट होता है उसी तरह का इसका टेस्ट होता है, बस ये उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार होता है। तमाम मसाले अच्छी तरीके से कीमे में मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो चलें मिलते हैं 1 घंटे के बाद। व्यूवर्स, आफ्टर 1 आवर देखें अच्छी तरीके से ये मैरिनेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके सीख कबाब बना लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हाथों को हमने थोड़ा सा तेल लगा के और चिकना कर लेना है। और फिर हम इसमें से लेके जितने साइज़ का भी आप बनाना चाहें उस साइज़ का आप बना लें। लेकिन ये ऊँट का गोश्त है तो ये थोड़ा सिकुड़ता है, तो इसलिए हम हमेशा जो है ना इसके थोड़े बड़े कबाब बनाते हैं ताकि ये फ्राई होके सिकुड़ के छोटे ना हो जाए। तो इसी तरीके से करके हमें तमाम कबाब बना के रख लेना है। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमने सीख कबाब बना लिए हैं। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, डीप फ्रीज़र में हम इसको रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब आप एक ज़िपर बैग लेंगे इस तरीके से, और उसके अंदर जो है ना हम ये डालते जाएंगे। और इसको आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। आपको जब बनाने हो आप इसको निकालें, तकरीबन 30 मिनट्स के लिए जो है ना आप इसको बाहर रखें रूम टेम्परेचर पे, फिर आप इसको फ्राई कर लें। ये देखें व्यूवर्स, आफ्टर 10 मिनट्स हमने ये निकाले हैं डीप फ्रीज़र से, तो ये बहुत अच्छे से शेप हो गए हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें इसको शैलो फ्राई करना है। ये हमने तवे पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसको ऑयल को हम गर्म कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम अपने कबाब रखते जाएंगे। इसको हमें बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है ताकि कबाब जो है वो अंदर से गल जाएं। लेकिन वैसे ही ऊँट का गोश्त जो है ना बहुत जल्दी बहुत आसानी से गल जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। बहुत ही सॉफ्ट और लजीज कबाब बनेंगे ये, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये कैसी लग रही है। सेकंड साइड से हमें इसको शैलो फ्राई करना है। एग फ्लिपर की मदद से हमें बहुत ही एहतियात से करना होता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, ताकि ये टूटे ना। इस तरीके से हम इसको टर्न कर देंगे। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इसको टर्न कर दें। तो व्यूवर्स, तैयार हैं बड़े मज़ेदार से ऊँट के सीख कबाब। तो हमने इसके अंदर एक कोयला जला के रखा है और हम इस पर जो है ना थोड़ा सा घी ऐड करके और फिर हम इसमें स्मोक लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। आओ, तैयार है हमारे ऊँट के सीख कबाब, बहुत ही लजीज और उम्दा बने हैं ये। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी और मेरा ईद उल अज़हा का ब्लॉग दोनों पसंद आए होंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम यम फूड स्पॉट। अल्लाह हाफिज़।